देश के प्रधानमंत्री यह चाहते हैं कि किसान खुशहाल हों, यूपी के मुख्यमंत्री भी यह चाहते हैं कि किसान मालामाल हो, लेकिन सूबे के कुछ चोर अफसरों ने यह ठान लिया है कि हर हाल में किसानों को कंगाल और बिचौलियों को मालामाल बनाना है। यही कारण है कि अफसर माफिया गठजोड़ से पैदा हुए ये गिद्ध देश के अन्नदाता की कमाई को नोच नोच कर खाने पर उतारू हैं। धान के का पोजीशन है? धान खूब होला? नहीं है दादा, मरल धान नहीं होला बाबू। एक को बाड़ी आई लोला कथी कवा में सब भाग भाग गांव में गई लोल है। कुटा मन के है कोटवा तन मिल जाला, वही कुछ के तन भात मिल जाला खाए के। अच्छा, रसनवा कोटवा? हां, रसनवा परे। अच्छा अच्छा। नहीं हमन के नाई कुले धान तो हिन्नी आखी देखे के नाई, लावा चढ़ावे के नाई मिल जाला। अच्छा। पूरा भरकच्छा में? पूरा भरकच्छा, चितहरी दोनों, चितहरियों में। हाँ। जोन सुनाई आपके है चोरी चोरा वाला, यहाँ धान बहुत बिकल बा। धान बिकल बा तो सुनाई में तो धान होने का कोई प्रश्न नहीं। ये सुनाई में? हाँ, 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 ये सुनाई में धान नहीं बोला? कब ना खत्म आपको बात सुनाई खेत बा हमारे तो बा कितना पाँच छह बीघा खेत सुनाई में ना, कुछ नहीं कुछ नहीं का बात। उमन बोआला नहीं का? नहीं, गेहूँ बोआ तरल नदी गिर गए, कहाँ जन बात तो नहीं बोल रहा। तो सुनाई खेत में धान होला? नहीं ना ना, केहू ना होला, केहू ना होला बाबू। गोरखपुर के गांव सोनाई, करही, चितहरी, भरकच्छा, सिमरौना, खरखूंटा के किसान यह जानकर हैरान हैं कि इनके गांव के नाम पर 18 करोड़ रुपए का धान बिचौलियों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर एमएसपी पर सरकार को बेच दिया है। खबर अब तक की टीम ने जिले के चौरी चौरा तहसील में अव्वल दिख रहे इन गांवों के नाम पर बेचे गए धान की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि यहां पर तो धान होता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ गेहूँ का फसल मुख्य है। अच्छा, मुख्य फसल गेहूँ है आपके? हाँ। धान गेहूँ नहीं बोला? नहीं गेहूँ। क्यों आपके भरकच्छा में 100 कुंटल धान के खोट हुई? और जब बोईबा ना कहीं होई कहाँ है? कुछ नाम बा यही गांव का है ये लोग, लेकिन मिलत नहीं बा। देखे बताइए, कौशल्या इनके पति का नाम करमवीर है, मैना इनके पति का नाम अवधेश है, किसान है लोग, कमलावती इनके पति का नाम सीता रमन है। अब कौशल्या देखे 98 कुंटल धान बेचले बाटी, मैना 99 कुंटल, कमलावती 99 कुंटल धान बेचले बाटी। गेहूँ नहीं बेचले बा, जब भाई बहन आई तो बेची का झूठ फूल लिखावल जाला है, जे लिखावले बा ते गलत लिखा देले बा। धान इतना होत नहीं है आपके गांव? हमारे यहाँ धान बोईबा नहीं करला होई कहां से, झूठ फूट बात कही नहीं। पूरा भरकच्छा में? पूरा भरकच्छा चितहरी दोनों का, बांधा के बाहर है, बाढ़िया वाला बुड़ जाला फसल वो का करिए, इतनी पूंजी लगा के। बोली अब बताए, यहाँ से पानी आ गया है, कौन धान हुई है? कौन धान हुई यह भर लगे? अरे हाई यहाँ से पानी आ गया। अमृता 141 कुंटल बेची? अमृता, अमृता आनंद कुमार 125 कुंटल, अंगूरा देवी 93 कुंटल, ये सब आपे गांव के है लोग। धीरज कुमार वर्मा, वर्मा भी लोग बता, वर्मा है खरखूटे है, खरखूटे बता रहे हैं। दिलीप कुमार जयसवाल, जयसवाल वर्मा कोई है ही नहीं। गब्बू प्रसाद चौरसिया देखिए, यो 92 कुंटल बेचे हैं। घनश्याम मौर्या 120 कुंटल बेचे हैं। हनुमान सिंह 111 कुंटल, बाबू साहब भी नहीं है। हीरा लाल यादव के हुआ 94 कुंटल, हीरा लाल भी नहीं है। इंद्रावती देवी 112 कुंटल, कहाँ जा? जनार्दन साहनी 95 कुंटल, जनार्दन साहनी भी कोई नहीं है। कनक लता 128 कुंटल, कृष्णा कुमार 145 कुंटल, कुबेरनाथ 96 कुंटल, कुमारी देवी 98 कुंटल, मनोज गुप्ता 113 कुंटल, मंतोष कुमार 93 कुंटल, मेवालाल 93 कुंटल। बोला इतना धान
मोहम्मद कैफ खान 94 कुंटल, मुन्ना मुसई यादव 90 कुंटल, मुन्ना 89 कुंटल, नर्बदेश्वर 93 कुंटल। इसको नाम नहीं मिला था हमारे ऐसा, इतना धान ना क्यों पैदा होला क्यों करे कि बेचे। अच्छा, इंद्रावती देवी 112 कुंटल, हनुमान सिंह 111 कुंटल। को गले के नीचे ना आए वो सब बेचे, फर्जी है। कोई ऐसा काश्तकार हमारे यहाँ नहीं है जो धान को बेचे। अच्छा, मोटी मोटा मान लीजिए पूरे खरखूंटा में, पूरे खरखूंटा में बहुत कोई बेचेगा तो कान दू कुंटल दो चार कुंटल तो बहुत ज्यादा है। नहीं तो क्रय केंद्र कोई नहीं जाता, क्रय केंद्र के बत्ती छोड़ हर कोई जाता ही नहीं जाता। गेहूं भी नहीं, गेहूं जाता हो, गेहूं जाता हो। अच्छा, मतलब धान के धान नहीं बोते, इस वाला कम बोते हैं। धान लोग कम बोते हैं अपने खाने भर के बोते हैं। जैसे मान लीजिए गाँव के सटे बंदा है, वो नदी का किनारा है, वहाँ धान लगेगा नहीं। अच्छा अच्छा, मान लीजिए खूब बढ़िया धान हो गया, बाढ़ आ गई चला गया, कौन मेहनत करने जाएगा? ये इसकी खेती अंदर है तो अंदर लोगों की खेती सीमित है, ज्यादा खेती बंद उस पार है नदी की तरफ, पूरे गांव के लोगों का, पूरे गांव के, पूरे गांव। तो मान लीजिए जो भी लोग धान पैदा करने की कोशिश करेंगे तो जितना होगा उसी तरह करेंगे ना। तो नहीं कुछ लोग बा आपके गांव के सिमरौना के बहुत धान बेचले बा, देखी की वो मिला था। अशोक कुमार विश्वकर्मा, इनके पिता का नाम राम उग्रह, सिमरौना है, मालिक हमें 150 कुंटल धान बेचले बा। अवनीश कुमार लालजी निषाद, इनके पिता का नाम है, 136 कुंटल। बबलू शर्मा राम धनेश 138 कुंटल। 30 कुंटल लाइक बेचले हुई खेतिया बेची का लोग क्योंकि बहुत बिकल बामरौना हेतमाली या सिमरौना बिकल बाजना जी खोने वाले थे केहू का 5 कुंटल ना बिकल घर के है तो यही के लोग लेकिन सिमरौना बटले ना। रामानंद मौर्य, इनके पिता का नाम राम गोविंद, बटले ना बाड़े मौर्य के बटले ना बा। रवि शंकर, इनके पिता का नाम राम कृपाल, यो ना बाड़े। अंजलि प्रजापति 96 कुंटल, अर्जुन सिंह 86 कुंटल, अशोक कुमार 150 कुंटल, लोग लिस्ट में है मेरा, अवनीश कुमार 136 कुंटल, बबलू शर्मा 138 कुंटल, बटले ना बा। अच्छा, आपके गांव का ही कुछ नाम नहीं मिला था, अंशिका यादव कोई है, उनके पिता या पति का नाम रविंद्र यादव है। इसी तरह लक्ष्मी यादव, इनके पिता का नाम सूरज यादव है, इनके नाम पे 148 कुंटल भी का कर रही में। नहीं नहीं, ये तो गलत, ये तो बटलर नहीं मैडम की बात, सूरज ये तो गलत है। अर्जुन कुमार 98 कुंटल इनके नाम पे भी का रही का। हाँ, अर्जुन बटलर है, सब झूठ है, एकदम फर्जी। अवध बिहारी सिंह 98 कुंटल, कर रही की बात कर रहे हैं? यहाँ सिंह नहीं कहूँ, कर रही में कोई सिंह नहीं है, ये नहीं हूँ। अजमत अली 96 कुंटल, एक मुस्लिम भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है वहाँ। भगवानी दो ठो है, एक 95 कुंटल बेची, एक 99 कुंटल। बलराम यादव 92 कुंटल बेचे, कोई है आपके गांव में? हमारे गांव में, हमारे गांव पूरा जो लिस्ट ये बता रहे हैं, हमारे गांव का नहीं है। नहीं, आपके गांव का नहीं है। चंदा देवी 137 कुंटल बेची, ना ये हमारे गांव का बनाए करल, करही में दिखा रहेगा सर, करही में। हाँ, इसी तरह धीरज कुमार जायसवाल 97 कुंटल, दिलीप 92 कुंटल, दिनेश चंद गुप्ता 98 कुंटल बेचे, भाई ना जायसवाल दिखा रहे हैं उतना कोई नहीं है, गेहूं गेहूं वाला, लेकिन अरे हमको लगता है 20। गीता दो ठो बेची हैं, एक 98 कुंटल और एक 100 कुंटल, दोनों कहते ना एक को ना हम। चौरी चौरा तहसील के सोनाई, करही, चितहरी, भरकच्छा, सिमरौना और खरखूटा गांव के रहने वाले असली किसान यह जानकर हैरान हैं कि जब उनके गांव में धान पैदा ही नहीं हुआ तो कैसे 89,210 कुंटल धान MSP पर सरकार को बेच दिया गया।